कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है व्हाइट, बुंड है टाइट, और जिन्हें पसंद है वाइक। चल अब निकल शॉन्टी, जाइए अभी एक चलती बाइक से उतरा शॉन्टी भैया। छोटे चले 20 रुपए। अरे उससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी। मैंने पूरे 1 साल तक कॉलेज किया था, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे। भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टॉफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा का कर रोएगी। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है सब, फेक एक्टिंग करते मम्मी ये लोग। WWE लगाओ संडे धमाल, वो रियल होता है। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज के 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होगा। कैसा पंखा है ये, ऐसे लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5-स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है पेट भरता है। सुन रहा है तू मेरी बात भी सुन रहा है? हाँ। और देख अपन ने कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। तुम्हारी क्लास में लोंडो के ग्रुप बन रखे होते हैं, और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लोंडो में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। तू अरे बंटू चुटकी बजा दो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया प्रोफेसर वो। हाँ मेरी जान, तू इसे लेके। नहीं, मैंने लेके आया इसको। अच्छा, बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहते है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लड़की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम मिल जाती है। हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिम, 1 सेकंड, हम ये क्या शूट कर रहे हैं? हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी, और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। यार साला संपट ही नहीं पड़ता, कर क्या रहे? इधर तुम्हें भी कुछ संपट नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है, जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटोकॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटोकॉपी करके वो 2 बना देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल्स से मिलेगी, और स्किल्स तुम्हें मिलेंगे स्केलर पे, और स्केलर ना इंडिया का बेस्ट टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम एनरोल करते ही टेक करियर में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे तुम खुद को अपस्किल कर सकते हो। भाई ऑलरेडी 93% से ज्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज, अमेज़न, फेसबुक, इनमें प्लेस हो चुके हैं। यहाँ की ट्रेनिंग स्केड्यूल्स और हैंड ऑन क्लासेस ना भाई तुम्हें एक स्किल्ड आदमी बना देगी, और
तुम्हारी एक साथ पूरी जेब ना खाली हो, इसलिए यहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस भी है। और लॉकडाउन में जैसे तुम कॉलेज की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से बोर होके सो जाते थे ना, उसकी नौबत भाई यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस भी है जो तुम्हें रियल टाइम लर्निंग का एक्सपीरियंस दे देगी। स्केलर के कोर्सेज के बाद ना एम्प्लॉइज ने ऑन एन एवरेज 126% की हाइक ली है। तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में स्केलर का लिंक डाल दिया है, तो तुम जल्दी से जाके चेक मारो। अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरे बैंक की नीचे चिंगम किसने चिपकाई? चिंगम नहीं है। उतने में तुम्हारे चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। ओए ओए सुन, ओए ओए चिंगम सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन दो लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से लड़ने आए हो। क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा, तो फिश उनके पास लॉयर भी है। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है, 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़िया खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़िया होगा गरम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गरम कचौड़िया खिलाओगे और अगर साथ में चटनी भी रहेगी और हरी मिर्ची तो तभी कुछ हो सकता है। अब जो तुम्हें 200 रुपए महीने भर के लिए पॉकेट मनी मिल रही होती है वो भी इस काम में चले जाती है। और तो और तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे, 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं, और ये जो 0.1% है ना, ये भी लड़का ही है, बस इस साले की हरकतें लड़कियों वाली है जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, मनमोहन। तूने देखा ना मनमोहन, मैंने अभी क्या किया? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तूने किया? नहीं तो मोनू भाई, मैंने कल एक विकराल बेताल करके वेब सीरीज देखी थी भाई, उसके अंदर एक बेताल नाम की चुड़ैल पेट पर चिपक जाती है, मेरे पीछे बेताल चिपकी हुई है क्या? अरे बंटे चिपकी होगी, वैसे ही हर संडे रविवार क्यों होता है? बेताल है, बेताल है मेरे पीछे, मैंने हरा दिया, मेरे बेताल को हरा दिया। अब इतना सब फेस करने के बाद तुम्हें समझ तो आ जाता है कि तुम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं जी रहे हो, ऐसा लगता है टेलीग्राम से कोई सीरीज चोर के डाउनलोड की गई है, उसके कैरेक्टर जैसी जिंदगी है तुम्हारी। वैसे चोरी हुई मूवीज और सीरीज से याद आया, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई वेबसाइट पे गए कोई मूवी या वेब सीरीज चुराने, और तुम देखते हो कि उस वेबसाइट के कोने में कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर तुमसे मिलना चाहती है? उस समय तुम अपनी असली हैवानियत दिखाते हो, एक औरत एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मिर्जापुर 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोंटू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई लक्की दर है सर, पार्ट 6 बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। ओए कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है? अरे ये फेक है। अबे पागल है क्या, उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो, चल मेरे साथ अभी अभी। लेकिन मेरे घर के आस पास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता, और अभी रात के 3 बज रहे हैं, वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर बंद कर दिया। रूपा 1 किलोमीटर दूर है, लगता है रूपा खुद ही हमसे मिलने आ रही है। ओए तेरा नेट तो बंद है, फिर मैसेजेस कैसे आ रहे? एक काम कर तू फोन बंद। रूपा और हमारी लोकेशन अब सेम है।